नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग वो दिन भूले नहीं होंगे, 23 जनवरी का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल गए थे। पश्चिम बंगाल में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में आयोजित एक भव्य समारोह में शिरकत की थी और उस समारोह में 125वीं जयंती मनाई जा रही थी नेताजी की, और कोलकाता के मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था और बड़ा कार्यक्रम था। भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, और यही वजह थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता अति उत्साह में आ गए और इस कार्यक्रम को विवादित कर बैठे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसमें सही हुआ या गलत हुआ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जब वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और ममता बनर्जी ने ये कह दिया, जो कि प्रोटोकॉल के तहत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया है सरकारी कार्यक्रम को, और उन्होंने अपना भाषण पूरा करने से इनकार कर दिया, तो ये सारा मामला उल्टा पड़ता हुआ नज़र आया। बाद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी रियलाइज किया कि दांव उल्टा पड़ गया और अति उत्साह में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया। बहरहाल, इसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि क्या भविष्य में ममता बनर्जी फिर से नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर सकती हैं, जो कुछ भी वहाँ हुआ। अब जो फ़िलहाल कंडीशन है, उस कंडीशन में हालांकि ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा मौका कब मिलेगा, दोबारा कब आएगा, इसका टेस्टिंग होने का समय आ गया है। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया ज़िले में जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, और जो हल्दिया ज़िला है वहाँ पर कुछ गैस और तेल की बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ वो करने वाले हैं और इसके अलावा कुछ परियोजनाओं की आधारशिला वो रखने वाले हैं। और सरकारी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्हें भी इसमें बुलावा दिया गया है, उन्हें भी प्रोटोकॉल अपना निभाना ही पड़ेगा, और प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्हें भी बुलावा दिया गया है। और अब सारे के सारी बात इस पर टिक गई है कि क्या ममता बनर्जी इस बुलावे को स्वीकार करेंगी और क्या ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आएंगी। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगी इसमें भाग लेने के लिए, और उनका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो बड़ा ख़राब रहा था, और इसी वजह से मुझे लगता नहीं कि वो आएंगी। एक बयान मैं पढ़ रहा था, TMC के बड़े नेता हैं मदन मित्रा, उनका एक बयान था, उन्होंने कहा था कि जय श्री राम के नारे के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। पता नहीं क्यों कोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जय श्री राम का जो राजनीतिक नारा लगाया जा रहा है उसके वो खिलाफ जाएंगे। उनका कहना है कि जय श्री राम का नारा राजनीतिक है, इसके स्थान पर जय सिया राम कहना चाहिए या जय सीताराम कहना चाहिए। पता नहीं मदन मित्रा की क्या सोच है, उन्हें इसमें क्या दिक्कत नज़र आ रही है, लेकिन इससे ये साफ है कि TMC का जय श्री राम के नारे के प्रति जो स्टैंड है वो बहुत ही स्पष्ट है, और वे इसे BJP का नारा मानते हैं, और उनका मानना है कि ये एक पॉलिटिकल नारा है और ये नारा बिल्कुल भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी वजह हैं जिसकी वजह से शायद ममता बनर्जी अब उनके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ मंच को शेयर ना करें। जहाँ पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है हल्दिया ज़िले में, 7 फरवरी को ये कार्यक्रम होगा, और जहाँ पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है वो कार्यक्रम आता है तुमलुक लोकसभा क्षेत्र में। तुमलुक जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत ये इलाका आता है, और यहाँ से सांसद हैं दिव्येंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने पिछले दिनों BJP ज्वाइन की है, और इस समय उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ पूरा मोर्चा वहाँ पर खोला हुआ है, तो उन्हें भी बुलाया गया है स्थानीय सांसद होने के नाते। हालांकि अभी तक दिव्येंदु अधिकारी ने और शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी
इन्होंने अभी ये तय नहीं किया है कि ये बीजेपी जा रहे हैं या नहीं, इसे लेकर अभी अटकलें हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जो अधिकारी परिवार पूरा का पूरा ममता बनर्जी के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, वो अब उनसे छिटक रहा है और ये सब लोग बीजेपी में जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी ममता बनर्जी इस प्रोग्राम से किनारा काट जाएं और हो सकता है कि वो इनकार कर दें इस कार्यक्रम में आने से। बहरहाल उन्हें सरकारी निमंत्रण दिया गया है और बीजेपी का जो अभियान है पश्चिम बंगाल में वो आपको पता ही है कि तेज़ी से चल रहा है। वहाँ के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा बाली की जो विधायक थी वैशाली डालमिया, जगमोहन डालमिया की बेटी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इन सबको यहाँ पर लाया गया था, दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कराई गई थी। और उसके बाद रविवार को स्मृति ईरानी ने हावड़ा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उसमें अमित शाह ने भी वर्चुअली इंटरनेट के माध्यम से रैली को संबोधित किया। और ये जो टीएमसी नेता थे ये सब विधिवत रूप से बीजेपी में शामिल हो गए, राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया वगैरह। और इन्होंने मंच से काफ़ी कुछ ममता बनर्जी के बारे में कहा। और वैशाली डालमिया तो गेरुआ कपड़े पहन कर आई थी, भगवे रंग में रंग कर आई थी। और शुभेंदु अधिकारी ने भी इस जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने हावड़ा की सफाई कर दी है, मतलब हावड़ा ज़िले की, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कोलकाता और दक्षिणी 24 परगना। यानी कि आने वाले समय में कुछ और टीएमसी नेता जा सकते हैं बीजेपी में, ये संकेत शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम में दिए स्मृति ईरानी की मौजूदगी में। इसके अलावा इसमें उन्होंने ये भी कहा शुभेंदु अधिकारी ने कि मैंने और राजीव बनर्जी ने एक साथ करियर की शुरुआत की थी 2004 में। मैं पूर्वी मेदिनीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और राजीव बनर्जी ने उलूबेड़िया से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहीं से हमारे करियर की शुरुआत हुई थी। और राजीव बनर्जी ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा राजीव बनर्जी के इलाके में भी काफ़ी बवाल हुआ और जहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा था वो राजीव बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बताया जाता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला भी किया, काफ़ी बवाल हुआ यहाँ पे। और ये झगड़ा फसाद पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक अंग है। चुनावों से पहले हिंसा, चुनावों के दौरान हिंसा पश्चिम बंगाल में हमेशा होती रही है और इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को अपने साथ शुरुआती दौर में ही जोड़ लिया है चुनाव शुरू होने से पहले ही। इसके अलावा मुस्लिम वोटों को लेकर ममता बनर्जी लगातार परेशान है। अब सुनने में आया है कि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी बातचीत हो रही है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक कोलकाता में हैं। और ये जो बंगाल और बिहार की लगती हुई सीमा है वहाँ की कुछ विधानसभा सीटों को तालमेल में टीएमसी के साथ मिलकर लड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि कुछ सीटें राष्ट्रीय जनता दल को दे दी जाएं, क्योंकि जो हिंदी भाषी बेल्ट है बंगाल की बिहार से लगती हुई, वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का प्रभाव है। और जब वाम मोर्चे की यहाँ सरकार थी ममता बनर्जी के आने से पहले, तो उस समय एक विधायक यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का रहा है 2006 से 2011 के बीच में। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव के और ममता बनर्जी के ताल्लुकात भी दोस्ताना रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीद है कि यहाँ पर बात उनकी बन सकती है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि अब जो 7 फरवरी को कार्यक्रम होने जा रहा है तुमलुक लोकसभा क्षेत्र के इलाके में, हल्दिया ज़िले में, तो उस कार्यक्रम में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर मंच पर साथ नज़र आ सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ममता बनर्जी अब मंच पर नहीं आएंगी मोदी के साथ, लेकिन फिर भी ये दिलचस्पी है कि ममता बनर्जी इस आमंत्रण को स्वीकार करती हैं या नहीं। स्वीकार करती हैं तो वो मंच पर आती हैं, तो क्या इस बार भी श्रीराम के नारे लगेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि इस बार श्रीराम के नारे लगेंगे और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में आती हैं या नहीं, और यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करती हैं या नहीं, और अगर आती हैं तो ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का स्वागत किस तरीके से करती हैं, इस पर तो मेरी बड़ी दिलचस्पी है। बहरहाल मैं तो चाहूँगा कि वो नरेंद्र मोदी के सम्मान में 2-4 शब्द जरूर बोल दें। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे।
आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।